वाली राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। शहर बेल्ट में नगर पालिका परिषद द्वारा बनाई गई सड़कों के एक ही बरसात में हालत हुए खस्ता। तस्वीरें में आपको दिखाई देख भी सकते हैं, जगह जगह पर सड़कें टूटे होने की वजह से जहां पर चालकों के लिए परेशानी यहां पर सबब बना हुआ है। ऐसा ही पाली के टैगोर नगर सड़कों पर टूटी फूटी होने की वजह से बारिश का पानी और यहाँ पर आपको बता चले कि पानी कीचड़ होना शुरू हो गया, आने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय के लिए समस्या जस की तस बनी है। परिषद व नगर पालिका सभापति तक को भी जहाँ पर समस्या आपको बता चले कि बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये जो रोड टूटी फूटी है, क्या समस्या हो रही है इसको लेकर आपको? बहुत समस्या, पिछले 3 साल से ये रोड पूरी टूटी फूटी है, कभी भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई। बार बार रिपेयरिंग करते फिर खोद देते हैं और तोड़ देते हैं, और अभी आने जाने के लिए बहुत ही असुविधा हो रही है, महसूस हो रही है। और मेरे घर के सामने पूरी की पूरी रोड टूटी हुई पड़ी है, कह के तंग आ गए हम। पिछले काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, अब 5 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, अभी बोले कि नेक्स्ट सोमवार को चालू हो जाए। वाह, मेरे घर के सामने जाके देखो, ये हालत खराब है, हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसको लेकर आपके पार्षद या सभापति का क्या कहना है? सभापति से तो नहीं, मेरे पार्षद जी से मिले थे, पार्षद जी कह रहे देखिए, इतने सभी सड़कें तलवार की ढाल पर पड़ी हैं, प्रशासन ढीला है, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, पार्षद अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जनता को सुना दूसरा देश वाला है, और देश वाला 50,000 कमाता है, उसका किराया भी नहीं निकलता है, और रोड खराब है। इसलिए आए दिन शिकायत करते हैं, जनप्रतिनिधि हमारी सुनता नहीं। जनप्रतिनिधि, अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे समस्या समाधान करें, और जल्द से जल्द इन प्रशासन को रोडों के बारे में पढ़ेंगे, उसको निर्माण करें। ये रोडों की जो हालत ख़राब हो रही है, टूटी फूटी रोडें हैं, पानी भरा हुआ है, और गाड़ी स्लिप भी हो रही है, लोगों चोटिल हो रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या कहना है? ऐसा है, नगर परिषद के स्तर पर जैसे ही हम पार्षद बने, नया बोर्ड बना, तो मार्च माह में इस सड़क के टेंडर हुए थे, सरकार ने पूरे मार्च तक के सभी काम रद्द कर दिए कोरोना की वजह से, कि कोई काम शुरू नहीं करना है। उसके बाद अब उसके टेंडर हो चुके हैं, वो ठेकेदार भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो RUDP का काम, सीवरेज और 24 घंटे पानी की पैप डालने का जो काम शेष है, उसको मैंने परसों उन अधिकारियों को संयुक्त दौरा कर दिखाया है, और उन्होंने 5-7 दिन में कहा है कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।